सर अचानक से जैसे ब्लास्ट हुआ है किसी चीज़ का और तुरंत मकान वकान सब गिर गया है। किसका मकान है ये? रिंकू का मकान। कितने लोग दबे हुए बताए जा रहे हैं? दबे अभी दो लोग ऊपर मस्जिद में दबे हुए हैं। बर्न इंजरी तो है, अब इसमें चूँकि बारूद की हल्की सी महक आ रही है और इसकी डिटेल फॉरेंसिक जाँच होगी, अभी बॉडी का पोस्टमार्टम वगैरह भी होगा, वो उसमें सब क्लियर हो जाएगा। और दूसरा जो जो हमने मृतक महिला बताया था, वो मृतक पुरुष था, उसकी बॉडी को चीर घर में रखवा, शवगृह में रखवा दिया गया। कुल कितने लोग अभी आते हॉस्पिटल में? कुल अभी तक तीन लोग हैं। इसमें कितने की मौत हुई है? तीन में एक की मौत हुई है, दूसरे की कंडीशन सामान्य है, तीसरा गंभीर हालत में है जिसको 100% बर्न है, तीसरा मेल है। आम जो थर्मल इंजरी होती है और जो बारूद के कणों वाली होती है, उसमें क्या फ़र्क होता है? और उसमें थर्मल इंजरी में ब्लैक एकदम पूरा होता है और इसमें वो चीज़ नहीं दिखती। इसमें क्या पाया गया है? अब इसमें क्योंकि अनबर्न पाउडर पाए जाते हैं लेकिन अभी वो क्लियर नहीं, लेकिन वो ब्लैकिश वो कलरेशन जो है वो चीज़ नहीं है। इसको अब ये तो बारूद के कण मिल आप लोग को देखने में आए? नहीं, अभी मतलब जब तक डिटेल फॉरेंसिक जांच नहीं होगी उस पर कमेंट नहीं किया जा सकता। वैसे संभावना व्यक्त की जा रही है कि माइट भी जो है इसमें ब्लास्ट इंजरी। हर चीज़ की सबूतों के आधार पर जो एविडेंस मिलेंगे उसके आधार पर। और उसी में ये दावा कर रहे हैं कि यहाँ पटाखे बिकते थे पहले। तो अगर कोई सबूत मिलेंगे मलबे के नीचे और मकान मालिक भी यहाँ पे अभी भर्ती है हॉस्पिटल में, उनके लिए सारी चीज़ों का बयान लेके आते हैं। सर अभी तक एक ही लोग की मौत हुई है ना? हाँ सर। देखिए प्रथम प्रतीत हो रहा है कि जो गैस का सिलेंडर था उसके फटने से ये घटना घटित हुई है। उसके फटने की प्रेशर से लोग दब गए। तत्काल पुलिस को सूचना हुई, तुरंत पुलिस पहुंची, एनडीआरएफ की टीम भी यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए गई और अभी भी लगी हुई है और करीब 5 लोगों को रेस्क्यू कराया जा चुका है। एक की डेथ हो गई है और अभी एक व्यक्ति की संभावना व्यक्त की जा रही है कि एक अंदर है, तो रेस्क्यू ऑपरेशंस इन प्रोसेस हैं, मुझे उम्मीद है शीघ्र ही किए जाएंगे, शीघ्र ही रेस्क्यू ऑपरेशन समाप्त हो जाएंगे। सर जिस तरीके से बातें बताई गई लोकल लोग द्वारा कि यहाँ पर पटाखे भी बेचा करते थे, ऐसा कुछ संज्ञान में आप लोग आए हैं? देखिए ये देखिए ये चीज़ बताई गई है तो ये जांच का विषय है, इस पर जांच की जाएगी और अगर ये थी तो इस थ्योरी को देखा जाएगा। अभी जो फॉरेंसिक की टीम भी हमारी आ गई है, वो जब ये रेस्क्यू ऑपरेशन समाप्त हो जाएगा, मलबा हट जाएगा, उसके बाद वो सूक्ष्म रूप से इसकी जांच भी करेगी। अभी जो रेस्क्यू हो रहा है, जो फंसे हुए हैं जी, अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा, उसके बाद ही कुछ टिप्पणी की जाएगी, अभी चल रहा है प्रोसेस में। अभी मेरे पास डिटेल्स नहीं है, आपको बता देंगे। तारा क्षेत्र में अभी फ्लाईओवर के नीचे एक मकान में तेज धमाके के साथ ही मकान बुरी तरह से गिर गया है और अब तक उसमें 4 लोगों के मलबे में दबे होने की बात सामने आ रही, जिसमें से एक लोगों की मौत की पुष्टि भी की जा रही है, लेकिन अभी उसकी शिनाख्त नहीं हो सकी है कि मौत किसकी हुई है। फिलहाल मकान किसी रिंकू नाम के शख्स का बताया जा रहा है और लोगों का कहना है कि दिवाली के समय में रिंकू अपनी प्लास्टिक के बर्तन बेचने की दुकानों पे पटाखे का भी काम किया करता था, इसलिए यह माना जा रहा है कि ऊपर के फ्लोर पे पटाखा स्टोर था जिसकी वजह से इतना तेज़ धमाका हुआ है, क्योंकि जो स्पॉट है वहाँ पर बारूद की भी काफ़ी ज़्यादा महक मौजूद है, जिसके कारण यह बात कही जा सकती है कि पटाखे को स्टोर किए जाने की वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ है। गोपाल मिश्र, ETV, वाराणसी।